वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी गिवन ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप लाइक बी वेक्टर सी वेक्टर। थ्री नॉन जीरो वेक्टर्स सो दैट वेक्टर सी इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। वेक्टर सी यूनिट वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी आल्सो। इफ द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाय फोर and then the value of determinant determinant ka value kya hai itself value of the parallel pipe okay so a dot b cross c or a cross b dot c determinant itself a plus b dot c vector c perpendicular to a as well as b इसका मतलब क्या होगा vector c perpendicular to a as well as b means what plane के perpendicular है तो इसके साथ parallel होगा A cross B is the vector which is perpendicular to both A and B. Yes, sir. So these two vectors should be parallel to each other. So इनका यह आ जाएगा A cross B magnitude into C magnitude into cos zero. अच्छा इसका magnitude क्या होगा A magnitude B magnitude as sine pi by four C magnitude one ये भी one. इतना मिला विच इज वन बाय रूट टू ए मैग्नेट्यूड बी मैग्नेट्यूड राइट एंड मैग्नेट्यूड ऑफ ए यू कैन राइट अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लाइक दैट दिस वन आल्सो यू कैन राइट सो आंसर इज द ठीक है फर्स्ट वन होगा सॉरी See the answer. समझ रही है एक्सरसाइज वन सी क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर टू वन सी क्वेश्चन नंबर इलेवन AI denotes the integer in the domain of the function. Domain of the function, okay. And f of x given square root of log base half 4x minus 25 upon x minus 25
ये कब एग्जिस्ट करेगा सर? जब लॉग वाला टर्म ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है और अंदर वाला ग्रेटर देन जीरो। यस, व्हेन फर्स्ट कंडीशन इज द 4x माइनस 25 अपॉन x माइनस 21 ग्रेटर देन जीरो एंड लॉग 4x माइनस 25 अपॉन x माइनस 21 बेस हाफ ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें हम वेविकर मेथड डालेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 25 इंटू एक्स माइनस 21 दैट आल्सो ग्रेटर देन जीरो। तो एक रूट मिला 25 बाई 4, एक रूट मिला 21। इफ यू यूज वेविकर मेथड देन दिस इज द पार्ट। तो x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 25 बाई 4 यूनियन 21 टू इंफिनिटी, राइट सर? हाँ सर, एक और कंडीशन रहेगा ना, 4x माइनस 25 बाई x माइनस 31 लेस देन 1, लॉग हाफ दिए लेस देन 1। हाँ वो लॉग से ही आएगा वो कंडीशन, वो उधर से आ जाएगा, इधर से आ जाएगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मैंने कंडीशन पहले रखा कि ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, वो कंडीशन इधर से आ जाएगा। तो इसको जब मैं एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 4x minus 25 upon x minus 21 because base is the lies in between 0 to 1, आपका inequality change होगा। Yes. तो half to the power 0, तो आप जो बोल रहे थे वो आ गया, बराबर? So it should be lies in less than equal to 1, okay? तो minus 1 कर देंगे तो less than equal to 0. Implies 4x minus 6, 3x minus 25 plus 21 minus 4 upon x minus 21 less than equal to 0. Once again, आपको ये डालना पड़ेगा, हाँ वेरिकल मेथड, तो 4 by 3 and 21 at the roots, तो less than मतलब lies in between, okay? Again 21 मतलब include नहीं होगा, because denominator था, तो यहाँ पे ओपन रहेगा, ये क्लोज होगा। तो x lies in between 4 by 3 to 21, 4 by 3 open, sorry close, but 21 is the open. So now from these two, what do you conclude? 4 by 3 to 25 by 4. 4 by 3 is the like 25 by 4. From this two, your x lies in between 4 by 3 is like 25 by 4, 25 by 4 is the open. Okay. So 25 by 4 matlab 6 point something, ye 1 point something. So integers raha 2, 3, 4, 5. Sir, or 6b. 6b, yes. ओके, तो एक दो तीन चार पांच, तो बहुत से ये केसेस आएगा। देन क्वेश्चन इज द एआई लेस देन एआई प्लस वन फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर थ्री नेट्स नेट्स एक्स वाई जेड प्लेन बट एबीसी रेस्पेक्टली इफ वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रॉन ओवरवेयर बे फॉर ओवर द ओरिजिन वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट लाइन का क्वेश्चन क्या हो गया, ये रफ करो, तो लाइन का इक्वेशन हो गया 2x माइनस
ए वन, दिस इज ए वन टू थ्री फोर फाइव, ए वन हो गया टू बाय फोर, इनफैक्ट एक्स माइनस वन बाय टू इक्वल टू वाई प्लस ए वन, वाई प्लस टू बाय ए टू, ए टू इज द थ्री इज इक्वल टू जेड माइनस ए थ्री, ए थ्री इज द फोर अपॉन ए फाइव, ए फाइव इज द सिक्स. This is the equation of straight line. Meets xy, yz and zx plane. This line meets xy plane. xy plane मतलब क्या होगा? Z equal to zero. Z equal to zero. और z equal to zero, then this became minus two by three. तो x का value होगा माइनस फोर बाय थ्री प्लस वन, तो माइनस वन बाय थ्री. वाई वैल्यू हो जाएगा थ्री थ्री कैंसल माइनस फोर, जेड का वैल्यू जीरो. ये ए वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन मतलब एक्स इक्वल टू जीरो. एक्स इक्वल जीरो मतलब ये मिला माइनस हाफ, तो वाई का वैल्यू मिलेगा माइनस थ्री बाई टू माइनस टू माइनस एक्स जीरो, माइनस थ्री बाई टू माइनस टू माइनस सेवन बाई टू, एंड ये हो जाएगा थ्री माइनस थ्री प्लस वन. ऑल राइट, ये आपका पॉइंट बी एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, जेड एक्स मतलब वाई को जीरो डालो तो ये रहा टू बाई थ्री. टू बाई थ्री करेंगे तो ये फोर बाई थ्री प्लस वन सेवन बाई थ्री जीरो. देन टू बाई थ्री फोर एट, राइट. ये आपका एबीसी एंड ओरिजिन. इफ द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रल ओ ए बी डी इज वी, वेयर डी इज द इमेज ऑफ सी, डी इज द इमेज ऑफ सी इन एक्स एक्सिस. तो ये एबीसी, तो डी पॉइंट क्या होगा? सेवन बाई थ्री जीरो माइनस एट. एक्स में सेवन बाय थ्री जीरो माइनस एट बराबर. और अब ओ ए बी डी का वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल क्या था? वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल बॉक्स ए बी सी बाय सिक्स मतलब वन बाय सिक्स ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर, ओ डी वेक्टर, ठीक है, विच इज वन बाय सिक्स ओ ए वेक्टर, दैट्स इटसेल्फ वन बाय थ्री फोर जीरो. ओ बी वेक्टर जीरो माइनस सेवन बाय टू वन, ओ डी वेक्टर सेवन बाय थ्री जीरो माइनस एट. ये हो गया माइनस ट्वेंटी एट, ट्वेंटी एट माइनस वन बाय थ्री माइनस ट्वेंटी एट बाय थ्री प्लस फोर, प्लस फोर इंटू सेवन बाय थ्री नो प्लस फोर माइनस सेवन बाय थ्री माइनस ट्वेंटी एट बाय थ्री फिफ्टी सिक्स by 18 20
then find value of 90V upon 35. एट क्या हुआ सर कैलकुलेशन मिस्टेक किया था बीच में यस सर आंसर एट ना यस यस सर करने के बाद आंसर क्यों मतलब कैलकुलेशन क्यों मिस्टेक हो गया सर क्वेश्चन काफी लंबा था सर तो बीच में एक माइनस वन का माइनस टू लिख दिया गलत अच्छा इस यहाँ पे आपका पॉइंट गड़बड़ था क्या हाँ सर एक पॉइंट गड़बड़ लिख दिया तो मेरा गड़बड़ होने का चांसेस ज्यादा था क्योंकि आप बुक में कर रहे हो मैं पेन मतलब ऐसे रख के वैल्यू मैंने किया ठीक है जब करो हाँ सर नेक्स्ट क्या था जेई एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12 2 पेज नंबर बताओ ना सर लास्ट एक्सरसाइज है अच्छा अच्छा मतलब 80 वाला जो ये अच्छा f1 f2 g1 g2 आर कंटीन्यूअस फंक्शन ये वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स फॉर ऑल टी y प्लस 3j क्या प्रॉब्लम क्या है कंटिन्यूस टाइम टी इक्वल टू f1 t आई कैप प्लस f2 t j कैप वी वेक्टर विथ टाइम टी g1 t i कैप प्लस g2 t j कैप बट टी लाइज इन बिटवीन 0 to 1 f1 f2 g1 g2 आर कंटिन्यूअस फंक्शंस A of T, B of T are non-zero vectors of all T belong for all T. And 0. It is given 2i plus 3j. This is the matlab f1 0 equal to 2.
f203 a(1) 6i + 2j इसका मतलब f(1) = 6 and f21 = 2 B0 that is 3i + 2j means g10 3 g20 2 2i + 6j then so that these two are parallel to each other. Or something. A02101 के अंदर ये कंटिन्यूअस फंक्शन कैसे करोगे सर? F1 G1 वो सब कंटिन्यूअस है तो कहीं तो ग्राफ इंटरसेक्ट करेगा सर, पर सर F1/G1 और F2/G2 पर रेशियो सेम होगा वो पता नहीं सर कैसे करना है। बट ये जो दिया गया ना उसका रिवर्स फॉर्मेट में दिया गया। हाँ सर। F102 अपन G112 F116 G1 ये सिक्स। X=Y के बहुत सिमेट्रिकल आता। X=? प्लॉट करेंगे तो X=Y के अबाउट सिमेट्रिकल आता। एक्स्ट्रा इंटरचेंज हो रहा है। सर
इसका ये साइड में हो रहा है। समझा नहीं क्या बोल रहे हो आप? x इक्वल टू y का तो कुछ नहीं, वही बोल रहे थे x इक्वल टू y इंटरचेंज हुआ वही चीज है सर। पर x और y जो इंटरचेंज हुआ वो डिफरेंट फंक्शंस के लिए है, सेम फंक्शन के लिए तो बात नहीं चल रही। सर अगर हम लोग f1 g2 माइनस f2 g1 देखते हैं, f1 g2 अच्छा माइनस f2 g1, f2 g1 ये जीरो दे देगा सर, इसे जीरो बनाना है बट एक पॉइंट पे नेगेटिव आ रहा है, एक पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है। हाँ सर वो अगर हाँ जीरो पे वो नेगेटिव है और वन पे इसकी वैल्यू पॉजिटिव है सर, और कंटिन्यूअस फंक्शन से चारों, तो सर शायद जीरो और मतलब नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में वेरी करेगा, तो कभी जीरो भी मतलब उसकी वैल्यू हो जाएगी और उस स्टेप पे वो पैरेलल हो सकते हैं शायद। उसके वेक्टर प्रोडक्ट जैसा लग रहा है वेक्टर प्रोडक्ट f1 ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट। अच्छा ये उसकी जरूरत नहीं है कोई। हाँ ये जीरो होगा तो f1 by f2 equal to g1 by g2 ये बोल रहे हो ना? Yes sir. Yes sir. तो ये continuous है और एक point पे zero पे negative आ रहा है और one पे positive आ रहा है। अच्छा zero तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये zero हो जाएगा। Yes sir. Mean value मतलब ये डाक है intermediate value ठीक है। Yes sir. तो इसलिए sum t दिया गया not for all t दिया गया। Yes sir. Yes sir. बराबर इसलिए क्वेश्चन दिया गया कि सम टी। ठीक है एक रस भी आपको जीरो दे रहा है समय तो ये पैरेलल टू बी होगा। चले बराबर डन। नेक्स्ट एक्सरसाइज थ्री क्वेश्चन नंबर 13। AI I equal to 1 to our orbital points on the surface of unit sphere. Prove that the summation of
by aj magnitude square. ऐसे ही देख A1, A2, A3 up to AN, N points are there. ठीक है, इसका मतलब सबका मैग्नीट्यूड 1 होगा. A1 मैग्नीट्यूड इक्वल टू A2 मैग्नीट्यूड एंड सो ऑन, AN मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1. ये AI into AJ, मतलब ये क्या है सर? कोई भी दो पॉइंट AI. अच्छा, मतलब ये डिस्टेंस A1 A2. ओके, इसका मतलब क्या होता है? If you open this one, इसका मतलब क्या होता है? Summation of A1, A2, मतलब AI, AJ, ऐसे ही सबसे सोचो क्या होता है? Well, 1 less than equal to I, less than J, less than equal to N, इसका मतलब क्या होता है? उसके हिसाब से छोड़ दो, ये हिसाब से बताओ क्या होता है? Product taken two at a time. सबका product taken two at a time. Taken two at a time, but वो क्या होता? मतलब one way में चलेगा, one के साथ two रहेगा. Yes. Sir. 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 ऐसे. तो इसको क्या लिखते हैं? How to write this one? This is what. This is summation of AI ka square minus summation of AI square by 2. Yes, sir. Iska matlab ye hota hai. Jaisa ki suppose A1 plus A2 plus A3 iska square. Kya hota hai? A1 square plus A2 square plus A3 square. प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 प्लस A1 A3 प्लस A2 A3. हियर आई लेस देन जे हो जाता है एंड आई स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड विथ एन. इसका मतलब ये होता है. तो ये जगह हम क्या लिखेंगे? समेशन ऑफ AI स्क्वायर summation of AI whole square minus summation of AI square by 2. तो ये concept use करो. तो वही दिया गया ना, summation of AI. हालांकि ये distance दिया गया A1, it is not A1, A2, actually, ये distance दिया गया, ये distance, A1, A2 distance plus square, ये distance square, ऐसे दिया गया.
सर इसमें इंडक्शन यूज कर सकते हैं? इंडक्शन बेसिकली यूज होता है इक्वालिटी के लिए, बट फिर भी अगर इधर एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिया लेफ्ट साइड पे एन पॉइंट्स के लिए प्रूफ हो गया और एक एन प्लस वन पॉइंट लिया तो लेफ्ट साइड पे चेंजेस आएंगे एंड हो सकता है जो एन प्लस वन स्क्वायर है वो रिक्वायर्ड चेंज से बड़ा होगा तो भी चलेगा ना? इसमें कितने सारे टर्म्स आएगा? NC2 ना, there are NC2 टर्म्स, but ऐसे देखा जाएगा तो अब मैं इसमें कोसाइन रूल डाल रहा हूँ, a1 a2 का होल स्क्वायर कोसाइन रूल इफ यूज, ओके, then इसका मैग्नीट्यूड 1 प्लस 1 माइनस 2 1 इंटू 1 कॉस थीटा 1, ऐसे करेंगे तो आप मिल रहा है 4 sin square theta 1 by 2. इसी हिसाब से NC 2 terms रहेगा, but less than equal to n square. सर सारे NC 2 terms जब sin square theta by 2 वो 1 हो जाएगा तभी हमारा required condition आएगा ना सर, लेकिन तभी 4 into n minus 1 by 2 आ रहे हैं सर, वो n square minus n हो गया, n square minus n मतलब वो 4 sin square theta i by 2 को add करके, twice of n square minus n. बट इसको कैसे एन स्क्वायर से कम लिखेंगे? अच्छा आप जो बोल रहे थे इंडक्शन दो तीन टर्म के लिए आ रहा है, सपोज 1 2 3 टर्म्स आर देयर लेट अस टेक, तो आपको मिलेगा a1 a2 एक मिलेगा a1 a3 देन a2 a3, इसमें कैसे आप प्रूव करोगे कि इट इज? सर अज्यूमिंग कि उसके लिए ट्रू है हम फिर एक एडिशनल फोर्थ पॉइंट डाल के प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, assuming कि वो less than equal to 3 squared है। हाँ ठीक है, but पहले तो आपका ये true होना चाहिए ना, 1 2 3 मतलब 4 के लिए, 3 के लिए ठीक है, 4 के लिए कैसे करोगे? 3 के लिए तो 3 terms आ रहा है आप बोल दोगे, ठीक है, 4 के लिए कैसे करोगे? 4 के लिए सर वो induction क्या होता है? If first term true, second term true, let us take kth term true, then k plus 1 को आपको prove करना है। हाँ सर, तो अगर इसमें फोर्थ टर्म लिया तो उसका a1 a4 a2 a4 और a3 a4 आएगा, 6 टर्म्स कम, 6 टर्म्स मिलेंगे ना? हाँ सर, वो जो एक्स्ट्रा 3 टर्म्स है वो सबका लेंथ डायमीटर से तो कम ही होगा ना सर? हाँ बिल्कुल, तो एक लेस देन इक्वल टू 2n मतलब अगर n टर्म्स के लिए लिखा तो राइट साइड पे n स्क्वायर ऑलरेडी था और अगर मैं एक न्यू टर्म इंट्रोड्यूस कर रही हूँ तो उसका डिस्टेंस बाकी सबसे डायमीटर से तो कम ही होगा, तो जो न्यू डिस्टेंस ऐड होगा वो 2n से कम ही आना चाहिए ऐसा कुछ, तो
लेफ्ट साइड पे भी बस 2n ऐड होगा, वो शायद n + 1 स्क्वायर से कम हो, ऐसा कुछ ट्राई कर सकते हैं। तो ठीक है, वो मैं तो समझ गया, बट 4 के लिए मुझे आप एक बताए ना, मतलब इंस्टेड ऑफ ये n, सपोज मैं 4 पॉइंट ऐसे दे रहा हूं, तो मुझे दिखा मतलब ये लेस देन इक्वल टू, मुझे शो करना कि इट इज लेस देन इक्वल टू 4, n को भूल जाइए, सॉरी लेस देन इक्वल टू, हां लेस देन इक्वल टू 9 होगा ना, 3 टर्म्स है, 3 के लिए 9 होगा, ये के लिए 16 होगा, 4 के लिए, 3 के लिए दिखाई दे रहा है थोड़ा, 4 के लिए नहीं दिखाई दे रहा है। हाउ यू अच्छा सर हो रहा है ना सर, वो 4 के लिए भी 6 टर्म्स आ रहा है ना, नहीं सर इंडक्शन में पहले तो वो अज्यूम करना पड़ता है ना कि वो लेस देन n स्क्वायर्ड होगा, तो इस केस में वो लेस देन 3 स्क्वायर्ड है बाय अजम्पशन, उतना हमें पता है। फिर a1 इफ वो जो एक्स्ट्रा 3 टर्म्स ऐड किए उसके लिए RHS में 6 से ज्यादा तो ऐड नहीं होगा क्योंकि उसका लेंथ डायमीटर से कम है, मतलब A1 A4 आएगा, A2 A4 आएगा, A3 A4 आएगा, तो फिर हर एक का लेंथ 2 से कम होगा, तो वही था बस। बट ये स्क्वायर का सम दे रहा है ना, हाँ सर वो प्रॉब्लम, स्क्वायर होगा तो 4 से कम होगा, ओके ओके, ये तो इसलिए तो ये चीज मिला ना, 4 से कम है, this is less than equal to 1, sorry this is less than equal to 4, this was uske wajah se mila rahi hai, acha theek hai sir, to jo extra 3 terms aa raha hai main isko manunga ki matlab ye 4 into 3 12, to 9 plus 12 aa gaya, awesome, to 16 tak kahan se matlab reduce karna padega na, ठीक है देखता है कुछ।
इनइक्वालिटी कहीं ना कहीं यूज कर रहा है, देखते एक्सरसाइज 2B पेज नंबर 67। Question number 16. Element not DC of the line so that LMN are the DC of the line, then so that LM plus MN plus LN are less than equal to A. Right. L plus M plus N का whole square always greater than equal to 0, ठीक है? तो इसके जगह क्या लिखेंगे? L square plus M square plus N square plus twice L M plus M N plus N L greater than equal to 0. इसका value 1. That means summation of L M more than equal to minus half. बराबर। अच्छा अब दिस पार्ट, हाउ टू फाइंड दिस वन, यू नो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एल एम प्लस एम एन प्लस मतलब माइनस ऑफ और माइनस एल एम माइनस एम एन माइनस एन एल ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल जीरो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ग्रेटर देन इक्वल जीरो। यस सर। क्यों? दिस इज ए मतलब दिस वन यू कैन राइट एल माइनस एम होल स्क्वायर प्लस एम माइनस एन होल स्क्वायर प्लस एन माइनस एल होल स्क्वायर बाय टू इक्वल दैट्स व्हाई सम ऑफ थ्री स्क्वायर्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो इंप्लाइज व्हाट L square plus M square plus N square greater than equal to LM plus MN plus LM और इसका वैल्यू 1 तो ये less than equal to 1। समझा ये? हाँ सर समझा। Exercise 2B क्वेश्चन नंबर 19 मतलब उसमें ही है। फाइंड विद प्रूफ द एंगल बिटवीन और ये केमिस्ट्री क्वेश्चन कहां से आ गया वो तो आपको पता होगा सर। एंगल पता है लेकिन सर कैसे निकालना है? पता सर आपका मिथेन का बॉन्ड बन मुझे फिगर बता दीजिए। सर टेट्राहेड्रल फिगर ही है 109°28 ऐसा कुछ तो एंगल। ओके केमिस्ट्री सर को पूछ रहे ना एंगल बिटवीन एनी टू CH बॉन्ड्स इन द मिथेन मॉडल।
मतलब सी एच क्या होता है, मैग्नीट्यूड उसका क्या है, कैसा कुछ नहीं वो सब सर, वो सब फैक्चुअल डेटा है। ठीक है, ये केमिस्ट्री सर को पूछ लेना। और कुछ तो क्वेश्चन देखता हूँ। ओके, और कुछ नहीं ना। डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस ऑलरेडी हम डिटरमिनेंट का कुछ किए थे। हम स्टार्टिंग समथिंग मैट्रिसेस, फिर डिटरमिनेंट जाएंगे, फिर मैट्रिक्स पर आएंगे, ऐसे करते हैं। In this matrix, many definitions are there. Matrix you can write in the form of A11, A12, A13, and so on up to A1n, A21, A22, up to A2n, A M1, A M2, up to AMN. This is your matrix. Here elements A, I, J, elements or entries. Okay. Where I stand for row position and J stand for column position. That already हम discuss किए थे। जैसे A35 means एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फिफ्थ कॉलम, एलिमेंट ऑफ थर्ड रो एंड फिफ्थ कॉलम इज द A35। तो एनी मैट्रिक्स यू कैन राइट, यू कैन यूज स्क्वायर ब्रैकेट और यू कैन यूज पैरेंथेसिस ब्रैकेट, ऐसे ब्रैकेट यूज कर सकते हो। और इसमें लिखा जाता है M/n, not m cross n, this is called M/n, it is called order, this is called order of the matrix, where m stand for number of rows, n stand for number of columns, n stand for number of rows and n stand for number of columns. Okay. Sir, matrices का actual use क्या है? ये basically Excel sheet में जो row column करके use करते हैं, उसका row के साथ column का composition होता है। और इंजीनियरिंग में बहुत यूज होता है, बेसिकली सिविल इंजीनियरिंग में ये ज्यादा यूज होता है। डेली लाइफ में ऐसा कुछ यूज नहीं होता है। अब इसका जो एक होता है कि क्रेमर्स रूल, मतलब ऐसे जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगा ना, वो ज्यादा यूज होता है। सपोज 2, 3, 4,
एक्स वाई जेड, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन ये रहता है एंड ए बी सी लेट अस स्टार्ट. This is the matrix, but 1/3. This is the matrix, 3/2. तो 1/2 का आपको मिलेगा, जो आपको बाद में पता चलेगा. You'll get 1/2, one row, two columns. तो let us take 7, 9. तो ये से मल्टीप्लाई होता है, मतलब इसमें आपको इक्वेशन मिलता है 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 7 होगा. एंड 2a प्लस 3b प्लस 4c इक्वल टू 9 होगा. ऐसे तो वो चीज यूज होता है यार. ठीक है, वो बात नहीं है सब, और अब मत करिए पूरा. हाँ, ये सर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब उसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है? यस, इसमें m इनटू n मिलेगा, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स. ऑर्डर मतलब ये फर्स्ट वन स्टैंड पर नंबर ऑफ रो, सेकंड वन स्टैंड पर नंबर ऑफ कॉलम्स. तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू गेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज. और सर ये मैट्राइसेस कहाँ से आए, मतलब सर मैट्राइसेस आए किधर से? मैट्राइसेस आए किधर से? तो फिर डिटरमिनेंट कहाँ से आए? सर दोनों ही, पता नहीं. डेरिवेटिव कहाँ से? सर वो कैलकुलस तो शायद इंडिया में ओरिजिनेट हुआ था ना. कॉम्प्लेक्स नंबर तो इंडिया में नहीं हुआ था. हाँ वो नहीं हुआ था सर, जीरो हुआ था. नहीं, कैलकुलस पॉइंट ज्यादा तो इंडिया में ये हुआ है. फिर इसके ऊपर रिसर्च करना पड़ेगा. ठीक है, आप गूगल कर सकते हो, मुझे इतना नहीं. कुछ डेफिनेशन, द रो मैट्रिक्स. व्हाट इज रो मैट्रिक्स? सर कोई आइडिया नहीं. हम्म, नहीं पता. रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स मतलब एक ही रो रहेगा, बाकी कितने सारे कॉलम्स रह सकते हैं. ठीक है, देन आपका क्या होना चाहिए, जो भी मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर 1/n होना चाहिए. मतलब व्हेन m इक्वल टू 1 देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स. फॉर एन एग्जांपल ए बी सी डी, दिस इज कॉल्ड 1/5 मैट्रिक्स. दैट मैट्रिक्स इज द रो मैट्रिक्स. एक ही रो रहेगा, बाकी कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं. कॉलम मैट्रिक्स, क्या होगा? एक ही कॉलम होगा, बाकी कितने रो हो सकता है? A1, A2, A3 अप टू AM. This is called column matrix. M row n equal to 1. When n equal to 1, then matrix is called column matrix. When m equal to 1, then
matrix is called row matrix. Square matrix. सर शायद जब n हाँ m equal to n when m equal to n then the matrix is called square matrix. Every determinant is the square matrix. Determinant और rectangular नहीं होता है. Upper triangular matrix. वो क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मतलब इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई ग्रेटर देन जे. Then the matrix is called upper triangular matrix. मतलब क्या होगा? Sir, square matrix को diagonal से divide करेंगे तो बस ऊपर की side में रहेंगे elements. हाँ, नीचे का सब zero हो जाएगा. Sir, कैसे? एक बात दीजिए. ठीक है. Suppose A11, A12, A13, A14. A21, A22, 23, 24, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43. This is your square matrix of order 4x4. Okay. ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, ये जीरो होगा. देखो ये सब यहाँ, दिस आर द आई इक्वल टू जे. दिस पर्सन आई लेस देन जे. दिस पर्सन आई लेस मोर देन जे. तो ये सब, दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल. दिस इज कॉल्ड मेन डायगोनल. मेन डायगोनल के नीचे का जितने एलिमेंट्स है ना, सब जीरो. Some main diagonal. This is called main diagonal. There are two diagonals, na? Square का दो diagonal रहता है. ये diagonal, ये भी diagonal. But this is called main diagonal. Main diagonal. तो इसके नीचे का element सब zero हो जाना चाहिए. So if I write 2, 7, -9. 4, 0, 3, 18, 0, 0, 0, 7, -4, 0, 0, 0. This is an example of upper diagonal matrix. ये आपका main diagonal. इसका element क्या होगा मुझे पता नहीं. तो इसमें जीरो आ सकता है, नॉन जीरो मतलब नॉन जीरो एलिमेंट आ सकता है. इसके लिए कोई कंडीशन है, बट कंडीशन होगा कि मेन डायगोनल का नीचे का जितने सारे एलिमेंट सब जीरो हो जाना चाहिए. तो हियर देखो, आई मोर देन जे, 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 आई मोर देन जे. हियर आई इक्वल टू जे. इसमें आई लेस देन जे. ठीक है, ये एलिमेंट सब जीरो हो जाना चाहिए. देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड. ये जैसे लग रहा है कि ये वैनिश हो गया, ये आपको एक ट्रायंगल दे रहा है. दैट इज कॉल्ड अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. बराबर. समझे कि नहीं? हाँ सर. सही, एक मिनट बस वो कॉपी कर.
सर सर जो पोर्शन मेन डायगोनल के ऊपर है उसी को अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे मतलब वो नहीं नहीं अपर पूरा इज द टोटल इज द अपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बस उसमें i लेस देन j वाले एलिमेंट्स ही मतलब प्रोमिनेंट हो जाना चाहिए ये आपका a i j एलिमेंट ना हां एलिमेंट को हम क्या लिखे a i j तो आपका i लेस देन जीरो इफ आई मोर देन जे दीज आर आई मोर देन जे पोजिशन देखो ये सब एलिमेंट जीरो हो जाएगा सर तो i less than j में भी जीरो हो सकता है क्या हो सकता है उसके लिए कोई कंडीशन नहीं इसलिए मैंने एक जीरो भी इधर रखा अच्छा पर सब जीरो नहीं होगा सब जीरो नहीं होगा सर अगर सारे एलिमेंट जीरो हो गए तो क्या होगा मतलब पूरे हाँ नल मैट्रिक्स इफ ईच एंड एवरी एलिमेंट्स बिकेम जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स समझा हाँ सर हाँ तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा सर आई लेस देन जे वाले जीरो होंगे यस lower triangular matrix condition remains same but square matrix hona chahiye first condition square matrix hona chahiye rectangular matrix mein aapka diagonal nahi milta hai if it is the rectangular matrix suppose this is the rectangular matrix isme aapko diagonal nahi milta hai only square matrix mein aapko diagonal milta hai okay lower triangular matrix in a square matrix If aij equal to 0 for all I less than j, then the matrix is called lower triangular matrix. मतलब main diagonal का upper portion सब zero हो जाएगा, upper element सब zero होगा. Diagonal matrix. सर एक गैस मार सकता हूँ बस मैं मतलब जो डायगोनल है उसमें बस वो वाले एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जीरो है yes. सही है सर हाँ सही है डायगोनल मैट्रिक्स बट स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए हाँ ये स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल आई इज नॉट इक्वल टू जे डायगोनल एलिमेंट्स क्या था आई इक्वल टू जे था डायगोनल एलिमेंट्स आई इक्वल टू जे था ए वन वन ए वन टू ए वन थ्री ए वन फोर टू वन टू 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 थ्री टू फोर थ्री वन थ्री टू थ्री 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 फोर फोर वन फोर टू These elements are called diagonal elements. इसको छोड़के बाकी सब जीरो होगा. A I J equal to zero for all I is not equal to J. J here I equal to J. ये बाकी सब जीरो होते हैं. सिर्फ इतने बचेगा. ठीक है? इसमें भी कोई elements भी जीरो हो सकता है. उसके लिए कोई condition नहीं. वो भी जीरो हो सकता है ठीक है बट कंपल्सरी कंडीशन नहीं था ये सब जीरो होना चाहिए इसके लिए कोई कुछ बताया नहीं गया
in a square matrix, if I in a square matrix, if aij equal to 0 for all I is not equal to j, then the matrix is called diagonal matrix. इसमें नोट करो ट्रेस. Let us take this is A. Trace of matrix A. Denoted by TRA. Denoted by TRA. It is summation of AII. कोई भी मैट्रिक्स नॉट नेसेसरी डायगोनल मैट्रिक्स इन एनी मैट्रिक्स इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय टीआरए व्हिच इज समेशन ऑफ ए आई आई डायगोनल एलिमेंट्स का सम इसका जितने सम रहेगा सब दैट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए. सर कोई भी मैट्रिक्स में एक ही मेन डायगोनल होगी ना स्क्वायर मैट्रिक्स में. हाँ कोई भी यस सर क्योंकि दिख तो दो मैट्रिक्स मतलब दो डायगोनल्स होती है ना जनरली एक स्क्वायर में. हाँ ये इसको मेन डायगोनल नहीं बोलते इसको डायगोनल ही बोलते मेन डायगोनल क्योंकि इसका कोई मेथड नहीं रहता ये चीज का. हालांकि एक रहेगा कि सम ऑफ एलिमेंट्स वो एक फिक्स वैल्यू देगा बट ये इधर रहता है कि आई इक्वल टू जे. सब वो नीचे नोट का मतलब क्या है वो नहीं समझा मुझे. कोई भी मैट्रिक्स का कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स का आपको ट्रेस पूछ सकता है. ट्रेस हाँ ट्रेस सर ट्रेस एज इन ट्रेस एज इन मतलब तो डेफिनेशन है. ट्रेस ये जरूरी नहीं है ना कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो. कोई भी मैट्रिक्स के लिए हम ट्रेस बोल सकते हैं क्या? नहीं नहीं कोई भी मैट्रिक्स का आपको डायगोनल नहीं मिलता है ना सर. डायगोनल नाउ सो जैसे रेक्टेंगुलर कोई नॉर्मल मैट्रिक्स हो जिसमें बस कुछ ही इसका बताओ डायगोनल क्या है सर. इसमें डायगोनल नहीं है सर पर इसमें सर ट्रेस नहीं बोल सकते क्या? नहीं नहीं से टू टू नहीं नहीं क्योंकि वो एक्चुअली डायगोनल से ही आता है. AIA जो मेंशन होता है वो डायगोनल सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल मेन डायगोनल एक्चुअल डेफिनेशन होता है कि सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इट्स मेन डायगोनल. सो तो ट्रेस इज सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल. यस डायगोनल का जितने एलिमेंट्स है उसका सम कर दो दैट इज ट्रेस. सर कोई भी हम लोग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर नीचे के एलिमेंट्स को जीरो करके उसको स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे तो ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते ना उसका हर मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है तो आप ऑर्डर चेंज कर नहीं पाओगे. अच्छा हर मैट्रिक्स का ऑर्डर रहता है तो ऑर्डर को आप चेंज कर नहीं पाओगे. ऐसा नहीं कि जीरो डाल देंगे तो वो मतलब उसका कोई काम नहीं है. जीरो रहने के बाद भी उसका काम होता है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसका बढ़ जाएगा उसका ये हो जाएगा मतलब ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा. तो स्क्वायर एक स्क्वायर मैट्रिक्स में चार सपोज टू बाय टू स्क्वायर मैट्रिक्स उसका चार एलिमेंट्स जीरो है दैट इज कॉल्ड नॉन मैट्रिक्स. इसका मतलब नहीं कि उसको हम जीरो जीरो सिर्फ लिख देंगे क्योंकि एवरी मैट्रिक्स हैज ऑर्डर. हाँ सर समझा. ठीक है ट्रांसपोज ट्रांसपोज क्या होता है? नहीं पता सर. उसको टेढ़ा कर दिया वो रोज का कॉलम्स कर दिया कॉलम्स का रोज कर दिया. यस ट्रांसपोज मतलब आपका ऑर्डर चेंज हो जाएगा इंटरचेंज हो जाएगा. इफ ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n देन ए ट्रांसपोज डिनोटेड बाय
ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय ए डैश टू टी और ए डैश. कुछ बुक्स में ए डैश टू टी दिया गया, कुछ बुक्स में ए डैश दिया गया. ओके देन ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, एन बाय by interchanging rows as column your matrix become transpose of original matrix. Okay, for an example let us take A matrix is the 2 3 1 7 5 minus 9. What is the A transpose? 2 3 1 7 5 minus 9. Iska order tha 2 by 3, iska order ho gaya. सर तो बोल सकते हैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया मैट्रिक्स को. ना ऐसा कैसे सर, क्लॉकवाइज सर, क्लॉकवाइज ठीक है. नहीं क्लॉकवाइज करेंगे भी नहीं होगा, क्लॉकवाइज करोगे तो कैसे होगा. अरे हाँ नहीं हो रहा, क्लॉकवाइज लेके मिरर इमेज ले लिया फिर सीधा रो को कलम बना दो. ठीक है, करस्पॉन्डिंग रो आज करस्पॉन्डिंग कलम. फर्स्ट रो फर्स्ट कलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कलम हो जाएगा. लाइक बाय इंटरचेंजिंग करस्पॉन्डिंग रोज आज करस्पॉन्डिंग कलम देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स और गिवन मैट्रिक्स. Done? एक मिनट सर. यस सर. Done, sir. Okay. सर आप इसका एक थोड़ा बड़ा एग्जांपल दिखा सकते हैं, उससे थोड़ा और क्लियरली समझेगा ट्रांसपोज. थोड़ा सा बड़ा एग्जांपल. मतलब एक रेक्टेंगुलर ही लेकिन थोड़ा अलग. ठीक है, इसका कितना हुआ 3/5. ए ट्रांसपोज क्या होगा 5 इनटू 3 और 5 3 तो 2 3 1 20 29. फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कलम बना दो. अच्छा ठीक है समझा. करेस्पॉन्डिंग रोज को करेस्पॉन्डिंग कलम बना दो. ये हो गया ट्रांसपोज. देन सिमेट्रिक मैट्रिक्स. व्हाट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स? In a square matrix, if A is equal to A transpose, in a square matrix, if A equal to A transpose, then the matrix is called symmetric matrix.
देखो रेक्टेंगल होने का चांस ही नहीं, क्योंकि a इक्वल टू a ट्रांसपोज मतलब क्या होगा, m इक्वल टू n, m एक का ऑर्डर m बाय n होगा तो दूसरा का ऑर्डर n बाय m होगा, बट दोनों इक्वल कभी हो नहीं पाएगा। इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, m इक्वल टू n, दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, m इक्वल टू n होना चाहिए, दैट्स व्हाई यू विल गेट योर स्क्वायर मैट्रिक्स। इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ a इक्वल टू a ट्रांसपोज देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सर सर जो ऑर्डर है सर उसको हम लोग ऐसे m into n और n into m के फॉर्म में लिखेंगे क्या, मतलब वो ऐसे उनका प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो नहीं होगा? नहीं नहीं, वो रिजल्ट नहीं, इसके जगह 15 नहीं लिखेंगे। 15 को आप कितने तरीके से ब्रेक कर सकते हो? बहुत सारे। हाँ तो जैसे कि 1 into 15 कर सकते हो, 15 into 1 कर सकते हो, 3 into 5 कर सकते हो, 5 into 3 कर सकते हो, तो आपको 4 डिफरेंट मैट्रिसेस मिल जाएगा फिर, तो फिक्स नहीं होगा ना। इट इज, इसलिए मैंने बोला इट इज नॉट 3 into 5, इट इज 3/5, इसको बोलते हैं 3/5, मतलब 3 rows 3/5 ऐसे बोलते हैं ना, 3/5 का, तो 3 rows इट इज रेक्टेंगल, तो 3 rows 5 columns। ओके, इन ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्या होना चाहिए, मैट्रिक्स का नेचर क्या होना चाहिए? डायगोनल के ऑपोजिट वाले एलिमेंट सेम है। यस, एलिमेंट्स ऑफ इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स फ्रॉम मेन डायगोनल्स आर इक्वल, मतलब लेट अस टेक 7, 11, 25, -15, ये मेन डायगोनल, इसका अपोजिट मतलब इक्विडिस्टेंस एलिमेंट, ये लेट अस टेक 3, -4, 8, तो ये भी 3, -4, 8 होना चाहिए। सपोज ये 10, 20, तो ये 10, 20 होना चाहिए, ये लेट अस टेक 35, तो ये भी 35 होना चाहिए। So that main diagonal से ये क्या देखो, इसका first row same as first column, first row जो है first column का element वही है, second row जैसे है second column का element वही है, third row element same as third column element, fourth row fourth column, so that आप इसको interchange करोगे, row को column बनाओगे, आपका matrix में कोई changes नहीं आएगा। तो from main diagonal equidistant elements are equal, from main diagonal equidistant elements are equal, then it is called symmetric matrix. That's a A transpose. इसको transpose करो, वो ये आएगा ना, if it is A, A transpose also same आ जाएगा। तो if A transpose is equal to A, then the matrix is called symmetric matrix. समझाइए कि नहीं? हाँ सर समझा। नेक्स्ट वन द स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, बताओ एनी गेस? सर क्या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या हो सकता है, एनी गेस? सर डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं। डायगोनल के एलिमेंट्स, डायगोनल के एलिमेंट्स जीरो,
अच्छा इसको आप बोल सकते हो ए आई जे इज इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू ए जे आई. 1-2 एलिमेंट सेम एज 2-1 एलिमेंट, 1-3 एलिमेंट सेम एज 3-1 एलिमेंट, 2-4 एलिमेंट सेम एज 4-2 एलिमेंट. सो ए आई जे यू कैन राइट ए जे आई. Sorry, it is not symmetric. For symmetric, likho A I J equal to A J. Okay, not skew symmetric. Skew symmetric kya hoga? In a square matrix, if A transpose is equal to minus A, A transpose equal to minus A, then the matrix is called skew symmetric matrix. Skew symmetric matrix hoga. In a square matrix, if A transpose is equal to minus of A, then the matrix is called skew symmetric matrix. मतलब ये क्या होगा? Aij क्या हो जाएगा? Minus of Aji. Aij equal to minus of Aji. तो Aij क्या होगा? Minus of Aij means Aij का value zero हो जाएगा. तो इस केस में क्या होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट सब जीरो हो जाएगा. और क्या होना चाहिए? फ्रॉम मेन डायगोनल इक्विडिस्टेंस एलिमेंट्स आर मैग्नीट्यूड इक्वल बट साइन सबका चेंज होगा. ये +3 होगा तो ये -3 होगा, ये -4 होगा तो ये +4 होगा, ये +8 होगा तो ये -8 होगा, ये 10 होगा तो ये -10 होगा, ये 20 होगा तो ये -20 होगा, ये 35 ऐसे. Then this matrix is called skew symmetric matrix. सर इसमें भी मतलब ट्रांसपोज इक्वल टू उसका जो मेन है वो है क्या? ट्रांसपोज सर इसमें ट्रांसपोज मतलब a रेस टू t इक्वल टू a है या a रेस टू t इक्वल टू माइनस a है? माइनस है, माइनस स्क्यू के लिए. सर माइनस a में क्या होता है? हर एलिमेंट नेगेटिव हो जाता है, मतलब सब एलिमेंट नेगेटिव नहीं होता है, हर एलिमेंट का साइन चेंज हो जाता है. मतलब जैसे अगर एक एलिमेंट में 3 है तो उस पोजीशन पे -3 हो जाएगा ईच एंड एवरी एलिमेंट का. बट मैट्रिक्स में ऐसा डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं था. वंस यू मल्टीप्लाई नेगेटिव इन अ डिटरमिनेंट देन दैट नेगेटिव साइन विल बी मल्टीप्लाई आइदर इन ए रो और इन ए कॉलम. बट इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है. तो सर डिटरमिनेंट्स अलग ही टॉपिक है क्या मैट्रिसेस से? नहीं, रिलेटेड. तो सर फिर ऐसा क्यों है कि इसमें माइनस ए में जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर उसमें डिटरमिनेंट में आप वैल्यू निकालते हैं, इसमें आप एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं, इसका वैल्यू अच्छा. नहीं होता है. मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर अरे. अच्छा ठीक, मतलब इसमें हम लोग अगर माइनस करेंगे तो हर एक एलिमेंट में जाएगा. हाँ, मैट्रिक्स इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ एम एन एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर अरे. यहाँ पे हम सिर्फ अरेंजमेंट करते हैं, ऐसा कुछ वैल्यू नहीं निकालते, डिटरमिनेंट में वैल्यू निकालते. डिटरमिनेंट को एक्सपांड किया जाता है, इसको एक्सपांड नहीं होता है. सर एक मिनट रब मत करिए.
सर रब कर दीजिए. ओके स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स ये क्या होता है? In a diagonal matrix, if Aii equal to K, then the matrix is called scalar matrix. कोई कांस्टेंट ऐसा कोई भी कांस्टेंट. हां सर मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम है. हां अच्छा डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है? डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के बाकी सब जीरो था. हां इसमें डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो हैं मतलब सॉरी सेम है. सेम है उधर क्या था? ऐसा डायगोनल एलिमेंट्स के लिए कोई कंडीशन नहीं था बट इसमें वन मोर एडिशनल कंडीशन ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स डायगोनल विद अ फिक्स्ड वैल्यू. तो सर अगर वो k इक्वल टू जीरो हो गया तो फिर वो नल मैट्रिक्स हो जाएगा. नल मैट्रिक्स हो जाएगा. यस तो फॉर एन एग्जांपल आज 13 0 0 0 13 0 0 0 13 एंड द मैट्रिक्स इज कॉल्ड डेट स्केलर मैट्रिक्स. ठीक है in this case if k equal to 1 sir sir k hamesha ek integer hi hona chahiye na matlab koi bhi matrix ke andar real number matlab matrices ke andar hum log root 2 ye sab bhi dal sakte hain kuch bhi dal sakte hain theek hai. Right? If k equal to 1, then क्या लिखेंगे? Matrix is called unit matrix. Instead of any k, मतलब k, k value जब 1 हो जाएगा, then it is called unit matrix. सर तो यूनिट मैट्रिक्स मतलब अगर कोई मैट्रिक्स है जिसके अंदर सारे एलिमेंट्स वन है उसके इसमें क्या होगा? जैसे कोई भी m by n ऑर्डर का हमारे पास मैट्रिक्स है उसमें नहीं, उसका कुछ नहीं है. उसका ऐसे कुछ वो मैट्रिक्स में जाएगा ऐसा अलग से डेफिनेशन उसका नहीं. तो यूनिट मैट्रिक्स एक्सक्लूसिव है स्केलर के लिए. दिस इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स. डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए. डायगोनल एलिमेंट्स वन होना चाहिए बाकी सब जीरो होना चाहिए. ठीक है एंड डिनोटेड बाय दिस वन डिनोटेड बाय I3. कभी आपको I3 लिखा जाएगा देन ये डिनोट करेगा. IN मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 10. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 ऐसा भी बोला जाता है. स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 मतलब ऑटोमेटिक 4x4 मैट्रिक्स हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स बोला गया. सर आई आई थ्री क्यों?
क्योंकि ऑर्डर इसका 3 यूनिट्स, आई स्टैंड फॉर यूनिट, 3 स्टैंड फॉर इट्स ऑर्डर. सर 3/3 होगा ना ऑर्डर, स्क्वायर बोला गया ना, तो इसलिए मैंने बोला व्हेन आई पुट स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 तो ऑटोमेटिकली इट इज 4/4 मैट्रिक्स. अच्छा क्योंकि स्क्वायर बोला गया ना. और सर आई उसमें यूनिट मैट मतलब यूनिट सारे उसमें जो वन है ये दिखाने के लिए. आई आई स्टैंड फॉर यूनिट, 3 स्टैंड फॉर इट्स ऑर्डर. ठीक मैं आई 10 रखूंगा देन उसका ऑर्डर 10 हो जाएगा, 10/10 मैट्रिक्स होगा. ओके देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड I matrix and denoted by unit matrix and denoted by IN. IN matlab unit matrix of order N. Done. Null matrix. All elements. In any matrix, if Aij equal to 0 for all I and j, then the matrix is called null matrix. ये लिखो, ये भी लिखो, ये भी लिखो, okay? तो इसको ऐसे भी डिनोट किया जाता है 2/3, इसको भी ऐसे डिनोट किया जाता है 1/3. ठीक है सर. सर जो पहला वाला आपने दिया है वो क्या 1:1 का? हाँ 1/1. तो सर उसमें अगर हम लोग ये 0 के बदले 1 होगा तो वो I1 हो जाएगा ना? 0 के बदले 1, हाँ I1 होगा. वो स्टेटमेंट क्या लिखा है आपने? नल मैट्रिक्स का स्टेटमेंट क्या लिखा है? एनी मैट्रिक्स लिखा ना, इन एनी मैट्रिक्स, इसका जरूरी नहीं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, बट यूनिट मैट्रिक्स में आपका स्क्वायर मैट्रिक्स जरूरी था, इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स कुछ नहीं जरूरी है. आपका स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगुलर भी हो सकता है. सो दैट एनी मैट्रिक्स, इन एनी मैट्रिक्स इफ ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई एंड जे, कोई भी आई जे रखो उसके लिए आपका एलिमेंट 0 हो जाना चाहिए. ईच एंड एवरी एलिमेंट बिकम 0 इन योर मैट्रिक्स. तो और एक इसका भी और एक क्वालिटी होता है कि आप ऐसे लिखा जाता है कोई भी ऑर्डर इसमें मैच कर जाएगा. सपोज ए इज द मैट्रिक्स, ए इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4/3 प्लस मैंने 0 लिख दिया, मतलब ऐसा लिख दिया, इसका मतलब वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड के ये भी 4/3 होना चाहिए. वो बाय डिफॉल्ट ये अंडरस्टूड होता है. ठीक है सिंगुलर मैट्रिक्स. Singular matrix. If
APA square matrix such that determinant of A, this is called determinant of A. डेट ए लिखा जाता है और यू कैन राइट ये भी लिखा जाता है बट डोंट कॉल इट इज मॉडुलस ऑफ ए, इट इज नॉट मॉडुलस ऑफ ए, ये भी डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे डिनोट किया जाता है. इज इक्वल टू जीरो बट स्क्वायर मैट्रिक्स जरूर होना चाहिए. इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स सो दैट इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. जो मैट्रिक्स आप ले रहे हो उसका डिटरमिनेंट चेक करो, इफ डिटरमिनेंट इक्वल टू जीरो हो जाएगा देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स. इफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो देन मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड non-singular matrix. Zero होगा तो singular, zero नहीं होगा तो non-singular. Sir, null matrix singular matrix है. हाँ? Null matrix singular matrix है. हाँ, but वो square matrix जरूरी होना चाहिए. नॉर्मल मैट्रिक्स भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आता है ना, तो वो टाइम पर आप डिटरमिनेंट निकाल नहीं पाओगे. तो एवरी स्क्वायर नॉर्मल मैट्रिक्स इधर सिंगुलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा. यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वन होगा, वो भी लिख दो. Determinant of I matrix always one. Determinant of I n always one. आप देखो ना, this is the unit matrix I two. इसका determinant कितना आ रहा है? One दे रहा है. देखो इसका determinant कितना दे रहा है? ये भी one. फर्स्ट वन वन बाकी सब जीरो होगा. तो कोई भी यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन उसका डिटरमिनेंट हमेशा वन होता है. सर एक मिनट, इसे लिखना है पूरा. Done? Yes, sir. Right.
अच्छा आप एक बताओ, स्केलर मैट्रिक्स इफ ए बी ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड AI equal to 3, then determinant of A kitna hoga? 3 raised to n. Yes. So if it is k, then answer ho jayega k raised to n. करो सर एक मिनट. सर रब कर दीजिए. सर नहीं. फटाफट लिखो ना आप. क्या मतलब नोट कर रहे हो क्या? ब्लैक पेन रेड पेन लिख के नहीं चाहिए, फटाफट क्या करो. ये सब कलर करके कुछ नोट करना जरूरी नहीं. ओके अलजेब्रा मतलब इसका एडिशन. एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन लाइक दैट. हाउ टू ऐड वन मैट्रिक्स विथ अनदर मैट्रिक्स. कैसे होता है? You can add one matrix with another matrix only when both have same order. दोनों का order same होगा तो then only you can add one matrix with another matrix. Okay? So let us take इसका order m by n, इसका भी order m by n. तो आपका a plus b जो मिलेगा उसका order भी m by n होगा. Let us take matrix A with the Aij of order m by n, B is the matrix of order of elements Bij of order m by n, then A plus B kya hoga? Aij plus Bij of order m by n. Matlab करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ही ऐड होगा, दूसरे के साथ नहीं. फॉर एन एग्जांपल सपोज ए मैट्रिक्स इज द 2, 8, -4, 13, 7, 10, 16, 1. बी मैट्रिक्स let us take -6, 9, 11, 0, 3, 33, -18, 19. Then what is the A plus B? Corresponding element के साथ add होगा तो क्या होगा? -4, 8 plus 9, 17, 7, 13, 7 plus 3,
10, 10, 33, 43, 16 माइनस टू सर मतलब सिंपल एलिमेंट्स का अलजेब्रा है इसमें ना सेवन बट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ दूसरे के साथ नहीं सर सब्ट्रैक्शन के लिए भी सिमिलर कंडीशन माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा तो ए केस में आपको ए माइनस बी क्या मिलेगा टू माइनस ऑफ माइनस सिक्स एट होगा एट माइनस नाइन माइनस वन माइनस फोर माइनस इलेवन माइनस फिफ्टीन थर्टीन माइनस जीरो थर्टीन सेवन माइनस थ्री फोर टेन माइनस थर्टी थ्री माइनस ट्वेंटी थ्री थर्टी फोर वन माइनस माइनस एट सर रब कर दो हाँ सर कर दो इस बार लिख लिया इसका मतलब माइनस ए का मतलब क्या हुआ हम जो माइनस बी के ईच एंड एवरी एलिमेंट्स का साइन चेंज हो गया ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ ए प्लस माइनस बी तो मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट मैंने उसका साइन चेंज करके प्लस कर दिया और एक होता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लीकेशन अलग होता है स्केलर मल्टीप्लीकेशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या होता है मतलब k इंटू ए सपोज ए इज द मैट्रिक्स विच इज ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई एन देन k इंटू ए मैट्रिक्स क्या होगा k इंटू ए आई जे ऑफ ऑर्डर m बाई एन दिस वन सपोज यू आर गोइंग टू फाइंड आउट 2a What is 2a? So each and every element में 2 multiply होगा तो 4, 16, minus 8, 26, 14, 20, 32. तो k का मतलब k multiply with each and every elements. Sir, determinant में एक ही उसमें हम लोग multiply करते हैं. Determinant में एक आइदर एक रो और एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है बट इसमें ऐसा नहीं इसमें ईच एंड एवरी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है अब मुझे बताओ सपोज ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन एंड डिटरमिनेंट ऑफ अच्छा देन के ए का डिटरमिनेंट कितना होगा सर वो मॉड ही होना चाहिए अगर सारे एलिमेंट्स में हमने के कर दिया तो फिर शायद मॉड ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन ठीक है सर के रेज टू 3 इनटू ए 3 क्यों होगा तो k raise to 3 3 क्यों होगा सर k raise to n यस k raise to अरे हां इनटू डिटरमिनेंट ऑफ यस सर क्योंकि n ऑफ ऑर्डर n बाय n ना हां हां वो मैंने 3 अज्यूम कर लिया था ऑर्डर ऑर्डर जब n बाय n होता है तो आपका n रोज n कॉलम्स होता है तो n रोज से आप एक-एक के बाहर निकालो
तो k रेस टू n होगा, बाकी डिटरमिनेंट ऑफ a। ओके ये भी नोट करो। अच्छा और एक बताओ, तो ट्रांसपोज के साइड में लिखो, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट कितना होगा? डिटरमिनेंट ऑफ ए, वो जहां पे ट्रांसपोज कितना उधर लिखो, ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम एज डिटरमिनेंट ऑफ ए, है ना? हाँ सर, क्योंकि भाई इंटरचेंजिंग रो आज कॉलम, आपका डिटरमिनेंट वैल्यू चेंज नहीं होता है, तो ट्रांसपोज तो वही था, रो को कॉलम बना गया था, तो डिटरमिनेंट रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम एज ए डिटरमिनेंट। Next multiplication. How to multiply one matrix with another matrix? Okay. How to multiply one matrix with another matrix? If A is the matrix of order m by n, B is the matrix of order n into l. ये याद रखो, इसका रो number of columns, इसका नंबर ऑफ रोज सेम होना चाहिए, अदरवाइज मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं होगा। सर m इंटू n और n इंटू m का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है? n इंटू m का हाँ हो सकता है, और m इंटू n और m इंटू n का नहीं होगा। अच्छा। होगा जब m इक्वल टू n होगा। ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स, ये जरूरी नेसेसरी कंडीशन। ओके, दिस वन नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट नहीं, नेसेसरी। ये होगा तो मल्टीप्लिकेशन आगे होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, देन आपका जो मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिलेगा ए इंटू बी का, उसका ऑर्डर हो जाएगा एम बाय एल। जो इक्वल था वो एलिमिनेट हो जाएगा, ये m by n, second one n by l होगा, तो उनका मल्टीप्लीकेशन में जो मैट्रिक्स मिलेगा दैट मैट्रिक्स विल बी m into l, सॉरी m by a। फॉर एन एग्जांपल, लेट अस टेक मैट्रिक्स a 2 1 3 -4 7 8, ये कौन सा मैट्रिक्स है? 3/2। और एक मैट्रिक्स ले रहा हूं बी मैट्रिक्स, इसका टू कॉलम्स होना, टू रोज होना चाहिए, कॉलम्स कितना भी हो। ओके, लेट अस टेक 10 1 -3 0 4 11
This is 2 by 4. हम इसके मल्टीप्लीकेशन में 3 by 4 का मैट्रिक्स मिलेगा. आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 3 by 4 मैट्रिक्स. व्हाट इज दैट? देखो, हम जैसे डिटरमिनेंट मल्टीप्लाई किए थे रो कॉलम वाइज, यू कैन मल्टीप्लाई योर डिटरमिनेंट रो कॉलम वाइज, रो रो वाइज, कॉलम कॉलम वाइज, कॉलम रो वाइज, ठीक है. बट इसमें सिर्फ रो कॉलम वाइज मल्टीप्लीकेशन होता है, मल्टीप्लीकेशन रो कॉलम वाइज. नो अदर मेथड. मतलब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है. दैट बिकेम वन एलिमेंट. कितना आ रहा है? 2 × 10, 20 + 1. तो फर्स्ट एलिमेंट बिकेम 21, क्योंकि ये वन वन एलिमेंट, वन के साथ वन, वन वन एलिमेंट. देन वन के साथ टू, यू गेट 1 2 एलिमेंट. पोजिशन होगा 1 2 एलिमेंट. -6 0. देन वन के साथ 3 1 3 एलिमेंट. 8 + 11 19. वन के साथ 4 1 4 एलिमेंट. 24 22 46. राइट. देन 2 1 30 - 4 20. सर नहीं समझ रहा, मतलब मल्टीप्लिकेशन कैसे हो रहा है वो नहीं समझ रहा. हम डिटरमिनेंट में मल्टीप्लाई किए थे ना, सॉरी मैट्रिक्स में. हाँ, डिटरमिनेंट में जैसे मल्टीप्लाई किए थे ऐसे करेंगे. डिटरमिनेंट में हम 4 डिफरेंट वेज में मल्टीप्लाई किए थे, इसमें सिर्फ रो के साथ कॉलम. ये इसके साथ करेस्पोंडिंगली मल्टीप्लाई होके इसका सम लेना है. 2 × 10 + 1 + 1 = 21. वो वन एलिमेंट. ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, तो पोजीशन क्या होगा? 1 1. ए 1 1 एलिमेंट. दिस इज द ए 1 1 एलिमेंट. फर्स्ट के साथ सेकंड रो, सॉरी फर्स्ट रो के साथ सेकंड कॉलम, दैट पोजीशन बिकेम 1 2. तो ये मिला 2 × -3 - 6 + 0 - 6. देन 2 × 4 8 + 11 19. 2 × 12 24 + 22 46. अच्छा ठीक है सर. देन 2 के साथ 1 30 - 4 26. देन 2 के साथ 2 - 9 0 - 9. देन 2 के साथ 3 12 - 44 - 32. देन 2 के साथ 4 36 - 48 - 12. ठीक है. देन 3 के साथ 1 78. सर 36 - 88 सर, 3 or -4 × 12 और सर 36 - 88 कितना हुआ? -50 - 78 - 21. Then 28 + 88 कितना हुआ? 116. राइट ना? 28 सॉरी. हाँ ठीक है. देन 84 + 168 - 176 कितना हुआ? 72. 0 हुआ ना? 272. 176 ना, बराबर ना? हाँ सर. ये 84
राइट हाँ सर तो दिस इज द ए टू बी इसका मल्टीप्लीकेशन सिर्फ रो के साथ फर्स्ट का रो सेकंड का कलम वही मल्टीप्लाई होगा रो कलम मल्टीप्लीकेशन Done? Yes, sir. Suppose A and B both are square matrix of same order. Then determinant of AB क्या होगा? A into B का determinant क्या होगा? Square matrix of the same order you have. It is determinant of A into determinant. Different order रहेगा तो multiplication होगा ही नहीं तो same order होना चाहिए because square matrix given. If determinant of AB is equal to determinant of A into determinant of B. सर लेकिन उसमें भी ये बस m into n और n into m वाला रूल लगेगा ना जिसमें n और n इक्वल होने चाहिए बट स्क्वायर मैट्रिक्स दिया ना तो फर्स्ट ऑर्डर m by m होगा तो सेकंड का भी ऑर्डर होगा m by m अच्छा वैसे सेंस में हां ठीक क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स दिया अब ऑर्डर सेम लिखा डिफरेंट ऑर्डर में आप ले नहीं सर ये प्रूफ कर सकते हैं क्या खुद ट्राई करो मैट्रिक्स हम जब मल्टीप्लाई किए थे ना ऐसे ही किए थे चुन कोई डिफरेंसेस नहीं किए थे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन उसको ही फॉलो किए थे रो मल्टीप्लिकेशन मेथड भी फॉलो किए थे ऑल्दो वी हैव फोर डिफरेंट मेथड बट वन ऑफ द मेथड वाज रो रो कॉलम मल्टीप्लिकेशन उसको ही फॉलो किए थे प्रॉपर्टीज इन कंबाइंड सब का प्रॉपर्टीज मैं देख रहा हूं A plus B equal to B plus A. Right or wrong? Right, sir. Right. That means it is commutative over addition. Okay? Make
एडिशन क्या लिख रहा हूँ, एक मल्टीप्लिकेशन का लिख रहा हूँ, एसाइड मल्टीप्लिकेशन। ए बी इक्वल टू बी ए, ये सब नो? नो सर। यस नो। यस और नो? नो सर। नो नो। तो ये कम्यूटेटिव, एडिशन वाला कम्यूटेटिव बट नॉट मल्टीप्लीकेशन वाला। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ठीक है सर। हाँ सर, ए बी और बी ए में कोई, जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें कोई रिलेशन है क्या? रिलेशन है ना, आपका ऑर्डर m by n, n by होना चाहिए। जैसे कि नहीं, मतलब जैसे ए बी और बी ए एक दूसरे के मतलब ट्रांसपोज होंगे जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इक्वल नहीं है ऐसा कुछ। सपोज ये एक केस देखो, प्रूफ के लिए मैं कोई चीज ए बी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, इट इज ट्रू, ट्रू फॉर ऑल द केसेस। तो आप उसको एक एग्जांपल लेके प्रूफ नहीं कर पाओगे, देयर यू हैव टू प्रूफ थ्योरेटिकली, ओके कंसेप्चुअली। बट ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, ये चीज दिखाने के लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट। कोई चीज को डिसप्रूव करना है, प्रूफ नहीं है, इसका मतलब ये गलत है, कोई स्टेटमेंट गलत है, एक एग्जांपल काफी है। बट एक स्टेटमेंट राइट है, उसको प्रूफ करने के लिए आपका हजार ले लो, एग्जांपल्स ले लो, इट इज नॉट सफिशिएंट। यू हैव टू प्रूफ थ्योरेटिकली, इन जनरल आपको प्रूफ करना पड़ेगा, डिसप्रूफ के लिए एक एग्जांपल सफिशिएंट। तो ए को मैं ले रहा हूं 2x3 मैट्रिक्स, बी ले रहा हूं 3x7 मैट्रिक्स, कैन आई मल्टीप्लाई ए इनटू बी? यस सर। हां, कैन यू मल्टीप्लाई बी विद ए? No, no. खत्म हो गया उधर, तो AB is not equal to BA. AB satisfy हो रहा है, BA नहीं हो रहा है, खत्म, ठीक है? तो ये बस square matrix के लिए valid है? नहीं, वो भी valid नहीं, वो भी valid नहीं, some cases valid, not all the cases. आप ले, खुद ले लो एक square matrix से, उसका order change हो जाएगा ना? जैसे 1 2 3 4, 1 1 3 0, ये तो मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है? व्हाट इज योर एलिमेंट? 1 plus 6 7, देन 1, देन 3 12 15, देन 3, दिस इज द ए इनटू बी। What is the B into A? This is the matrix AB. What is B into A? ऐसे multiply करना पड़ेगा। B A क्या होगा? 1 3. क्या मिला? 1 plus 3 4. खत्म। इधर element equal नहीं होगा ना? First element itself different आ गया। 1 plus 3 4, वही एलिमेंट्स आएगा बट रिशफल हो क्या आएगा? 2 plus 4 6, इसमें 2 plus 4 का नहीं आया था, ठीक है? देन 3, देन 6. तो क्लियरली अभी इट्स नॉट इक्वल टू बी, ऑर्डर सेम होने के बाद भी, बराबर? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. That means, yes. Matrices addition is your commutative, whereas multiplication not commutative. A plus B equal to B plus A, but AB is not equal to BA. In general, कोई केस में हो सकता है. That is different. A case होगा तो that does not mean statement true. A plus B plus C
Is it A plus B plus C? Yes. Haan, sir. It is called associative. A into BC equal to AB into C. No, sir. No, it is yes. It is yes. मैं किसी का ऑर्डर चेंज नहीं किया. मैं किसी का ऑर्डर चेंज नहीं किया. एबीसी ये भी एबीसी ऑर्डर चेंज नहीं किया. यहाँ पे मैंने क्यों इक्वल नहीं हुआ, क्योंकि इसका ऑर्डर मैंने चेंज कर दिया था. एबीबीए ऑर्डर चेंज हो गया था. इसमें ऑर्डर चेंज नहीं है. एबीसी ये भी एबीसी, सिर्फ ब्रैकेट मतलब पहले एबी मल्टीप्लाई करके बाद में सी, नहीं तो पहले बीसी मल्टीप्लाई करके बाद में ए. It is true. Sir, sir, तो BCA लेकिन नहीं होगा ना इसके equal? नहीं, BCA नहीं होगा. BCA नहीं होगा. BCA में आप order change कर देते हो. मैंने order देखो किसी का change नहीं किया. Once you change your order, तो statement false हो जाता है. आप तीन matrix multiply करो ना, जैसे ही multiply. पहले आप देखो, सपोज ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 3/4, सी का ऑर्डर 4/11. व्हाट इज एबीसी का ऑर्डर? 2/2. क्या होगा? 2/11 होगा ना, क्योंकि पहले एबी मल्टीप्लाई करोगे. इफ यू राइट एबी, एबी ऑर्डर कितना होगा? 2/4, देन सी मल्टीप्लाई करो 4/11, तो आपको मिलेगा एबीसी का ऑर्डर कितना? 2/11. नहीं, एबी ए को पहले रखो, बीसी को पहले मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/11 ये आपका ए, 2/3 वो भी मल्टीप्लीकेशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो एबीसी का ऑर्डर 2/11. आपको सिर्फ ये देखना है कि ऑर्डर चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है. ऑर्डर चेंज होगा तो इट्स अनइक्वल. ऑर्डर से मतलब इक्वल. ठीक है? हाँ सर, समझा. ये हो गया आपका. K into A plus B. मैं small letter जहाँ पे लिख रहा हूँ, that is capital letters matrix. Small letter जहाँ पे लिख रहा हूँ वो scalar. K into A plus B. क्या लिखोगे? K A plus K B. मतलब ये scalar अब multiply हो जाएगा. K into A B. क्या लिख सकते हैं? KA into B लिख सकते हो. Also you can write A into KB. KB. Or you can write A into B K. जो भी लिखो. मतलब K scalar को आप कहीं पे भी ले सकते हो. उसका order में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. Matrix का order में फर्क पड़ता है, scalar में ऐसा कुछ नहीं होता. ठीक है? मतलब A into B K भी लिखो. That also correct. Distributive over addition, A into B plus C. Suppose, मतलब ये तीनों का order सेम होगा. If order of BC, here B plus C given, मतलब BC का order same है, और ये multiplication possible, मतलब A का order M by N, तो B का order N by
एल होगा। तो क्या लिखेंगे इसको? दिस वन यू कैन राइट ए बी प्लस ऐसे, ये आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूटिव कर सकते हो। ओके, प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए भी माइनस, ये भी प्लस माइनस। ठीक है, ये रब करो। यस सर। A plus B whole transpose. Equal to what? A transpose plus B transpose. It is A transpose plus B transpose. Plus ke liye plus, minus ke liye minus. A B transpose. क्या होगा सर? सेम नहीं होगा तो फिर क्या कर सकते हैं? ए बी ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज नहीं होता है। सपोज देखो, ए का ऑर्डर 2/3, बी का ऑर्डर 3/4, तो ए बी का ऑर्डर क्या होगा? 2/4। ए ट्रांसपोज का ऑर्डर 3/2 होगा, बी ट्रांसपोज का ऑर्डर 4/3 होगा। So, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन नॉट पॉसिबल, क्योंकि 3/2 के साथ 4/3 मल्टीप्लाई नहीं होगा। अब चेक करो, B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज हो रहा है। फर्स्ट का ऑर्डर 4/3, B का ऑर्डर, सेकंड का ऑर्डर 3/2, मल्टीप्लाई पॉसिबल? इसका ऑर्डर कितना मिला? 4/2। तो AB का ट्रांसपोज का ऑर्डर कितना होगा? वो भी 4/2 होगा। तो ए बी ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। लाइक ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा? सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, हमेशा पीछे से आएगा, सी रिवर्स होगा, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। A vector plus, sorry, A matrix plus null matrix equal to what? Order same होगा तो A matrix, क्योंकि हर element में zero add होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। A matrix into null matrix, L matrix, null matrix, A matrix into I matrix, I matrix, इसका मतलब ये square matrix होना चाहिए। A matrix, matrix, मतलब if possible, ये जो मैं दे रहा हूँ, if possible तो result क्या होगा, not possible तो फिर नहीं होगा। Done? Yes, sir.
नेक्स्ट वही मल्टीप्लिकेशन का इफ AB इक्वल टू SC इंप्लाइज व्हाट इक्वल टू C B इक्वल टू C तो B और C नल मैट्रिक्स सर वो आई भी हो सकते हैं या नल मैट्रिक्स तो पक्का हो सकते हैं क्या बी और सी सर जीरो होगा ना रिजल्ट इफ ए बी इक्वल टू एस सी हाँ मतलब उस एंड ए इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स लेट अस टेक ओके सर ए तो नल मैट्रिक्स है ही नहीं मैं बी और सी को नल मैट्रिक्स एज्यूम कर नहीं हमें जब आता है ना बी इक्वल टू एस सी क्या मिलता है इंप्लाइज व्हाट नंबर में बी इक्वल टू सी इफ ए बी इक्वल टू सी देन जीरो भी हो सकता है क्या जीरो हो सकता है सर बी और सी जीरो हो सकते हैं नहीं ए जीरो हो सकता है या तो b equal to c या तो a equal to zero yes then a equal to zero or b equal to c ठीक है if a is not equal to zero then always b equal to c यही होता है yes sir suppose a b equal to a c and matrix a not your null matrix then b equal to c b equal to c then it's not necessary b equal to c हाँ सर order mismatch हो सकता है उसमें नहीं order रखो same order रखो mismatch होने का chance लिए नहीं a b equal to c ठीक है let us take b and c का order भी same सर हो सकता है ना अगर b का और a का ऑर्डर हम लोग 3 इंटू 2 ले और b का ऑर्डर 2 इंटू 4 तो ए बी 3 इंटू 4 हो जाएगा वहीं पे अगर c को हम लोग 2 इंटू 5 ले तो ए बी 3 इंटू 5 हो जाएगा उससे ऑर्डर डिफरेंट आ रहा है ना हाँ ऑर्डर तो डिफरेंट आएगा ना मल्टीप्लाई होगा बट ऑर्डर डिफरेंट आएगा हाँ तो इक्वल नहीं होगा फिर ए बी इक्वल टू एसी तो नहीं होगा ना हाँ नहीं होगा सर हाँ तो इसलिए b c का ऑर्डर सेम होना चाहिए सर सेम होगा तभी भी b इक्वल टू c नहीं है हाँ तब भी वो तब सर उसमें वो एलिमेंट्स का डिफरेंस आ सकता है सर बताओ एक केस बताओ सर जिसमें b नॉट इक्वल टू c है उसमें हम लोग अगर देखेंगे तो डिफरेंट आएगा सर एक ट्राई करके देखता हूँ सर अगर एक कोई भी एक एलिमेंट लाइक मल्टीप्लाई करके देखे तो सर बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं अगर कोई भी ए आई जे ले और ए आई जे इंटू वो मल्टीप्लाई करके देखे तो बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं बट ए बी इक्वल टू एसी आ रहा है नेक्स्ट ओके आपको दिया गया कि ए बी इक्वल टू एसी ए नॉन मैट्रिक्स नहीं है तो आपका रिजल्ट बी इक्वल टू सी होगा कि नहीं होगा ये मेरा क्वेश्चन था तो आप बताए कि b इक्वल टू c होगा मैं बता रहा हूँ कि b इक्वल टू c होने जरूर नहीं कि होगा हाँ सर नहीं होगा तो कोई जरूर नहीं होगा मतलब आपको एग्जांपल देना पड़ेगा कोई एक एग्जांपल दो जिसके लिए a b इक्वल टू c हो रहा है a नॉन मैट्रिक्स नहीं है फिर भी b इज नॉट इक्वल टू c सर अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका सारे एलिमेंट फॉर एग्जांपल 1 है सर. और बी का बी भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर जैसे कि अगर ऑर्डर 2 है तो अगर बी 3 2 1 4 होगा हम लोग उसको फ्लिप भी कर सकते हैं ए को क्या लिए सर 1 हाँ सर हाँ सर ओके बी को क्या ले रहे हो 3 2 1 4 3 2 1 4 ओके और सी को हम लोग सी को कोई वो लेते हैं आर्बिट्रेरी लेते हैं
डिफरेंट आता है बी नॉट इक्वल टू सी के लिए. मुझे एक एग्जाम्पल ऐसे दे दो. हाँ सर दे रहा हूँ सर. ए 1023 है. ए 1023 ओके. बी 0420 0420 और सी 2300 2300 तो सर ए बी इस केस में अगर देखेंगे तो ए बी और बी ए सी डिफरेंट आता है. ए बी इक्वल टू ए सी नहीं होगा इसमें. नहीं होगा सर बिल्कुल नहीं हो रहा. हाँ बट मेरा कैसे AB को AC दिया गया. अच्छा आप इक्वल का केस पूछ रहे हैं. हाँ AB इक्वल टू AC गिवन. A इज नॉट इक्वल टू नॉल मैट्रिक्स दैट आल्सो गिवन. देन वेदर B इक्वल टू C और नॉट. सर B को C yes होना ही पड़ेगा वरना no. नहीं हो सर होगा. यस yes. ये मेरा क्वेश्चन है सर. यस होगा. बी इक्वल टू सी अगर नहीं होगा तो पॉसिबल नहीं है. पॉसिबल नहीं है पक्का सर. मैं हाँ मतलब ठीक है. ये आपको ए बी इक्वल टू सी गिवन. ए नॉन मैट्रिक्स वो भी गिवन तो बी इक्वल टू सी होगा कि नहीं होगा. दैट वाज माय क्वेश्चन. Not necessary. तो आप yes बोलो कि नहीं. No. Sir, मैं 90% yes. 10% no. Okay. ठीक. एक लेता हूँ. ये ले रहा हूँ. और चेक करो ए बी. अच्छा बी इक्वल टू सी. नो सर. नो. ए इज नॉन मैट्रिक्स. नो सर. नो. इसका मतलब ए ये सेटिस्फाइड. अब चेक करो ए बी इक्वल टू ए सी. ए बी व्हाट इज योर ए बी चेक करो. 14 10 12 15 What is your AC? 14 10 12 15 AB equal to AC? Yes sir. इसका मतलब AB equal to AC. A is not null matrix. जो given था वो मैंने satisfy करा दिया. Now is B equal to C? Yes sir. नो. इसका मतलब ये स्टेटमेंट नो. राइट. यस सर. तो ए बी इज इक्वल टू एस सी एंड ए इज नॉट योर नॉल मैट्रिक्स देन नॉट नेसेसरी बी इक्वल टू सी. जरूरी नहीं कि B इक्वल टू C होगा. B इक्वल टू C हो सकता है. दैट इज डिफरेंट इशू. ओके यहां पे एक नोट करो. क्या आपको मार्क कर रहे हैं मतलब कुछ तो बताओ जो आप कुछ फाइंड कर सकते कि इसका ये वैल्यू होना चाहिए. रिपीट. आप ये जो मैंने एग्जांपल दिया इसमें कुछ कंक्लूड निकाल सकते हो जो केस में B इक्वल टू C होगा तो फिर क्या होना चाहिए.
अंडर व्हाट कंडीशन इक्वल टू बी ए का कोई इक्वल टू सी होना चाहिए. ए का कोई एलिमेंट जीरो नहीं होगा. किसका? ए का. ए का तो मेरा हर एलिमेंट जीरो नहीं रखा था. हाँ, वन थिंग हियर, इफ यू फाइंड आउट डिटरमिनेंट ऑफ ए वो जीरो दे रहा है. तो ये कंडीशन मतलब कि सर ए बी मेरे को थोड़ा गड़बड़ लग रहा है सर. वो फर्स्ट एलिमेंट 14 कैसे है? नहीं है पहले वाले में सर 8 होना चाहिए ना. ए बी मैंने ए बी इक्वल टू एस सी सर वो फर्स्ट वाले में. अच्छा 8 तो सर कहां इक्वल है ये? दोनों में. अच्छा दोनों में है. नीचे लगाइए. बराबर. तो ये चीज को अच्छे से ये करो. इफ ए बी इक्वल टू एस सी एंड ए इज नॉट योर नॉल मैट्रिक्स देन नॉट नेसेसरी बी इक्वल टू सी. ठीक है. तो यहां पे मैं कंक्लूड निकाल सकता हूं. ए बी इक्वल टू एस सी गिवन ए इज नॉट योर नॉल मैट्रिक्स दैट ऑल्सो गिवन. If B equal to C, then आपका determinant of A is not equal to zero. If B is not equal to C, then determinant of A equal to zero. Determinant of A non-zero होगा तो B equal to C मिलेगा. ठीक है. इसमें डिटरमिनेंट ऑफ ए मैंने रखा था जीरो. इसका डिटरमिनेंट रखोगे तो जीरो आ जाएगा. आज डिटरमिनेंट इसमें कोई एक ये कर दो, चेंज कर दो. एंड अब देखो बी एंड सी सेम आना चाहिए, डिफरेंट आना नहीं चाहिए. क्योंकि इसमें केस क्या होगा, ए बी डिटर्मिनेंट इक्वल टू एसी डिटर्मिनेंट. इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होगा तो बी का आपका क्या होगा, डिटर्मिनेंट इक्वल टू सी डिटर्मिनेंट हो जाएगा. तो ये केस में जो मैंने रखा था जरूरी नहीं कि बी इक्वल टू सी होगा, नॉट नेसेसरी बी इक्वल टू सी. वो केस में ये डिटर्मिनेंट जीरो हो जाना जरूरी है. इफ बी इज नॉट इक्वल टू सी देन ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो होगा मस्ट. ये मस्ट B equal to C होगा तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं. ये इसका भी जरूरी नहीं, ये कोई ऐसा कुछ नहीं होगा. If B equal to C तो A B equal to AC होगा, कोई भी किसी के लिए भी. इसका ये पॉइंट नेसेसरी नहीं है. If B is not equal to C then ये मस्ट, ये डिटर्मिनेंट जीरो होगा मस्ट. ये मैं बोल रहा हूं. B equal to C होगा तो A B equal to AC होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं. बराबर. यस सर. हाँ सर. इफ बी इक्वल टू सी बी इक्वल टू सी होगा हर केस के लिए, आपका एक कुछ भी हो. बट बी इक्वल टू सी नहीं आ रहा है तो केस में आपको क्या लगेगा, ए डिटर्मिनेंट जीरो होना जरूरी है. राइट. यस सर. ओके, आज के लिए इतना. आप लोग डिटरमिनेंट मैंने बताया था, ऑलमोस्ट प्रॉपर्टीज बताया था. आप ट्राई करो आपका बुकलेट वन में जितने क्वेश्चन है एक्सरसाइज ए की कुछ होगा, मतलब वन एट जितने डिटरमिनेंट का क्वेश्चन ट्राई करो, फिर देखते हैं. ठीक है. डिटरमिनेंट का क्वेश्चन ट्राई करो. हम डिटरमिनेंट और एक बार मैं बताऊंगा, बट प्रॉपर्टीज आप रिसेंटली किए थे तो प्रॉपर्टीज आपको सब याद है, तो आप ट्राई करो डिटरमिनेंट कितना कर सकते हो. ठीक है सर. सर अगर नहीं होगा तो हम करेंगे ना इधर. ठीक है सर. सर आप क्वेश्चन पूछ सकते हो क्या कि हम कौन कौन से ट्राई कर सकते हो एक्सरसाइज? हाँ सर, अगर आप बता देते तो बेटर. बता देता हूँ.
शायद पूरा एक्सरसाइज डिटरमिनेंट का ही दिया है, मैं अच्छे से नहीं देखा। इन चैप्टर वन तो एक ही क्वेश्चन, हाँ इन चैप्टर एक्सरसाइज टू पेज नंबर फाइव, ये 10 क्वेश्चन दिया गया, 10 क्वेश्चन ट्राई करो देखते, ठीक है? क्योंकि आज तो मतलब कुछ सिर्फ डेफिनेशन डेफिनेशन सर, कौन सा आप रिपीट कर सकते हैं? इन चैप्टर एक्सरसाइज टू पेज नंबर फाइव, ठीक है सर, वो क्वेश्चन आप कर सकते हो सब क्वेश्चन, ठीक है? अब हर क्वेश्चन को ट्राई करोगे यूजिंग प्रॉपर्टीज, ऐसा एक्सपांड करके करना लेंदी होगा, यूजिंग प्रॉपर्टीज, अब जो हम सात आठ कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस किए थे उसको यूज करके करो, एक्सपेंड मत करना। तो लास्ट स्टेप पे आप एक्सपेंड कर सकते हो, बट इनिशियल एक्सपेंड मत करो, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय।